जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर जुनून चाहिए, ए आसमान भी आएगा जमीन पर, ए आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तो हेलो नमस्कार, मैं राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय ऑनलाइन एकेडमी पर। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी 66 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, तो जो भी स्टूडेंट अभी तक अपने रिजल्ट को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। तो इस रिजल्ट में खास बात यह है कि बिहार के वैशाली जिला के, जहां लोक गणतंत्र की यानी गणतंत्र की सबसे पहले शुरुआत किया गया था वैशाली में, उसी वैशाली जिला के सुधीर कुमार ने कर दिखाया है कि मेहनत के बल पर इंसान कहीं भी पहुंच सकता है ना। तो वहीं बिहार के वैशाली जिला के जो गणतंत्र, विश्व का सबसे पहला गणतंत्र गणराज था, वो गणराज वैशाली के सुधीर कुमार ने कर दिखाया है कि परिश्रम के बल पर क्या कर लोग है ना, किसी भी पद तक यानी किसी भी हद तक जा सकता है। यही आपका है जो बिहार टॉपर की यानी कि बीपीएससी 66 में कौन सुधीर, आपका वैशाली के सुधीर कुमार जी ने टॉप किए हैं। तो हमारी ओर से और पूरे टीम की ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि सुधीर कुमार जी से और पूरे बिहार वासियों के उम्मीद भरा एक उत्साह खुशी है कि आप जिस भी जगह पर जाए यानी जहां भी आपका पोस्टिंग हो, तो आप सरकार के जो भी कार्य है उनको, योजनाओं को सही रूप से ईमानदारी पूर्वक से गरीब सोशलिस्ट यानी जो सामाजिक यानी गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचाने का, ईमानदारी पूर्वक पहुंचाने का काम करेंगे हमारी ओर है ना। तो हम लोग सब इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर बीपीएससी 66 में जो टॉप रैंकर हैं यानी 1 से लेकर 10 तक, वो कौन कौन से हैं और किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अर्थात किस जिले से संबंध रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टॉप रैंक 1 में देखेंगे तो सुधीर कुमार है वैशाली जिला के। वैशाली आपको पता होगा, वैशाली जिला आज नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला गणराज है, जहां सबसे पहले विश्व के सबसे पहले ऐसे क्षेत्र में लोकतंत्र की शुरुआत की गई थी। वहां जनता के प्रतिनिधि है ना, शासन जनता के प्रतिनिधि शासन करते थे। इस तरह के वैशाली गणराज जो बिहार के गौरवशाली धरती है ना, बिहार के साथ साथ पूरा भारत के लिए गौरवशाली की धरती है, और इसी गौरवशाली धरती से सुधीर कुमार जी ने कर दिखाया है कि मेहनत के बल पर इंसान धरती से चांद पर यानी कहीं भी पहुंच सकता है। वो आपका ये बीपीएससी 66 में टॉप रैंक लाकर उन्हें इन्होंने कर दिखाया। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड रैंक तो अमृत्य कुमार आदर्श, ये अरवल डिस्ट्रिक्ट है। देखिए अरवल डिस्ट्रिक्ट को बहुत से लोगों ने बदनाम कर चुका है कि वहां अरवल डिस्ट्रिक्ट का शिक्षा खराब स्थिति है, मतलब वहां एक तरह से डांसर होता ना, उस तरह के मेंटेलिटी लोगों के बीच जम गया कि अरवल डिस्ट्रिक्ट पूरे बिहार में सबसे खराब डिस्ट्रिक्ट है। तो आदर्श अमृत्य कुमार आदर्श ने कर दिखाया कि अगर इंसान मेहनत करे तो भले वो किसी जिला से बिलोंग करता हो, अगर मेहनत करेगा तो एक न एक दिन सफल होगा। तो ये अमृत्य कुमार आदर्श जिन्होंने बिहार बीपीएससी 66 में दूसरा स्थान हासिल किए हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा स्थान आयुष कृष्णा, जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से है ना, कि कहां से संबंधित है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद टॉप 4 में देखिएगा तो यानी कि रैंक 4 में तो ये सदानंद कुमार है, जो ईस्ट चंपारण यानी पूर्वी चंपारण से है आपको। उसके बाद 5 रैंक यानी जो 5 रैंक है पूरे बिहार में, वह है विनय कुमार रंजन, ये कहां से बिलोंग करते हैं तो पटना है ना, बिहार की राजधानी पटना से बिलोंग करते हैं, अर्थात राजधानी का टॉपर कौन है तो विनय कुमार रंजन है ना, यानी कि ये हो सकते हैं इनको ये टॉप 5 रैंक लाए। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि गर्ल्स टॉपर बीपीएससी 66 का गर्ल्स टॉपर कौन है तो मोनिका श्रीवास्तव, इन्होंने पूरे बिहार में 6 स्थान हासिल किया है और साथ ही महिलाओं में पहला स्थान हासिल किया है। ये कहां से तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, औरंगाबाद जिला से संबंध रखती है। उसके बाद देखिएगा रैंक 7 में तो ये सिद्धांत कुमार है, ये भी पटना से यानी पटना में टॉप रैंक 1 से लेकर 10 के बीच में, 2 पटना जिला से हैं और 2 औरंगाबाद जिला से टॉप किए हैं। उसके बाद देखिएगा टॉप रैंक 8 में तो अंकित सिन्हा है, एक ये भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से ही है। उसके बाद रैंक 9 में देखिएगा तो ब्रजेश कुमार, ये अररिया जिला से यानी अररिया डिस्ट्रिक्ट से है, और एक है रैंक
जो 10 है वो है अंकित कुमार, ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट से है ना, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से, यानी कि नीतीश कुमार जी के गृह जिला से है। इसके पहले जो जो भी रिजल्ट आ रहे थे तो लोगों के बीच एक अफवाह फैल चुका था कि जो बीपीएससी के बिहार के किसी भी एग्जाम में टॉप 2 ही जिला से करता है, एक नालंदा और नवादा। तो ऐसा बात नहीं है, आप इसके आपके सामने साक्ष्य रखा गया है कि इसमें देखिएगा तो टॉप जो किए हैं वो वैशाली जिला से किए हैं और 10वां स्थान हासिल किए नालंदा से। तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी जिला से जो है, आप अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा या कहीं हो, है ना, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, पूर्वी और पश्चिमी, कहीं बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आप अगर आपके जुनून है अंदर किसी काम को करने का, तो आप अपने सफलता यानी पद को एक न एक दिन जरूर सफल होइएगा। तो ये आपको हमारे बिहार के भविष्य के अधिकारी हैं जिनको कार्यभार दिया जाएगा, है ना। तो इन सभी से हम सभी को, यानी जो सफल छात्र, इन सभी 10ों के साथ साथ जो भी छात्र सफल हुए उनको पुनः एक बार हम लोग शुभकामनाएं देते हैं कि, और साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि अपने पदों का सदैव पूर्वक और ईमानदारी से निर्वहन कीजिएगा। तो देखिए बीपीएससी 66 का जिसमें नोटिफिकेशन आया था उसमें से 698 यानी कि 698 टोटल वैकेंसी था, जिसमें से फाइनल रूप से सिलेक्शन कितने बच्चों का हुआ तो 685 लोग, यानी 685 व्यक्ति का इसमें चयन हुआ है, 4 लोगों का इसमें चयन नहीं हुआ है ना, इसमें 4 अभी भी 4 सीट वैकेंट यानी खाली रखा गया, मतलब खाली रह गया है इस स्थिति में। तो ये आपका है क्या, तो बीपीएससी 66 का रिजल्ट जिसमें टॉप रैंक लाए, यानी टॉपर ये अपने है ना बिहार के सबसे महानुभाव अधिकारी बनने वाले हैं आगे भविष्य में, तो इनको बार बार शुभकामनाएं देते हैं। और जो भी ऐसा नहीं कि असफल, जो भी छात्र असफल हुए हैं तो उनको भी एक सीख लेनी चाहिए कि जरूरी नहीं कि अगर आप एक असफल हो गए तो आपके पास मेरिट नहीं है, है ना। देखिए सफलता और असफलता के बीच थोड़ा सा का अंतर, जैसे लोग कहते हैं ना कि 19 और 20 का खेल है, मतलब सफलता और असफलता का 19 और 20 का ही खेल है। असफलता और सफलता के बीच, सफल है तो आपके पास 20 रैंक है और असफलता है तो 19। देखिए कैसे, मान लीजिए कि अगर आप मेहनत किए हैं तो आप, अगर आप अच्छे से मेहनत किए हैं और आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसमें आपको कोई ऐसा नहीं कि आप अपने आप को है ना ये समझ रखिए कि हमको सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अपने दिमाग से उतार लीजिए, आपका सिलेक्शन यदि आप ईमानदारी पूर्वक से मेहनत किए हैं तो आपका सफलता एक न एक दिन होगा। और आपको पता हो कि 1 से 2 महीना में आपका बीपीएससी 66 का प्रीलिम्स होने वाला है, तो इसमें भी जोड़ लगा कर अभी से ध्यान लगा दिया जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिनको रैंक मतलब लास्ट में मिला अगर वो भी चाहते हैं कि रैंक अच्छा इम्प्रूव कर सके तो भी इसमें आप जुड़ सकते हैं। तो बाकी आपका सिलेबस तो आपको पता ही हो ना, तो ऐसा ना है कि जो असफल छात्र है उनको आप अपने जो हिम्मत है ना, आपके अंदर जो मेंटेलिटी पावर है उसको घटाना नहीं है और आपको इम्प्रूव करना है कि जहां आप किस फैक्ट पर यानी किस स्थान पर जाकर आपने असफलता मतलब सफल नहीं हुए उसको जो कमियां आपके अंदर थी उसको दूर करने का प्रयास करिए। जहां तक ये सोचिए है ना आपका रैंक मेरिट नहीं बन पाया तो कोशिश ये कीजिए कि इस बार निकल जाए 67, तो उसमें आप अभी से शुरुआत कर लीजिए है ना, आपका एक नए दिन आपका रिजल्ट होगा ही होगा। तो ये आपका था, हम लोग ने अभी लगभग रात के 12:15 बज चुके हैं है ना, तो इसमें तो इस बार इस वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग को आपके लिए ही है ना। तो इस बार जो जितने भी स्टूडेंट सफल हुए हैं उन सभी को पुनः एक बार हम लोग बार बार शुभकामनाएं देते हैं, और साथ ही जो स्टूडेंट बीपीएससी 66 की अगले तैयारी कर रहे हैं 66 या फाउंडेशन को, तो हमारे बैच से इसकी तैयारी कराई जा रही है ना निःशुल्क, जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी फाउंडेशन का, आपका लगभग एंशियंट में हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे तो एंशियंट में आपका लगभग चैप्टर समाप्त हो गया है ना, टॉपिक सारे गुप्ता गुप्तोत्तर काल बच रहा, उसी प्रकार ज्योग्राफी देखिएगा तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी भी समाप्त कर चुके हैं, उसके बाद आपका पॉलिटी में भी हम लोग राष्ट्रपति यानी भाग 5 को हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार आपका बायोलॉजी भी स्टार्ट कर दिए हैं हम लोगों ने। तो इस तरह से हम लोगों ने बीपीएससी फाउंडेशन का स्टार्ट लगभग देखिएगा तो मार्च अप्रैल के आसपास से हम लोगों ने कर दिया था, और आप सबके सपोर्ट इतना मिल रहा है कि हमारे अंदर जो एनर्जी और बढ़ जा रहा है ना, तो ऐसा आप सपोर्ट कीजिएगा, हम आपके सपोर्ट के ही बदौलत है ना, अगर जो भी इंसान आपके यहाँ खड़ा है तो आपके सपोर्ट के ही बदौलत है। तो आपका जो भी जैसे इन सभी टॉपरों का आप हमारे चैनल पर इंटरव्यू साथ ही इनका
क्या क्या स्ट्रैटेजी था वो हम आपको इस पे अपलोड कर देंगे। तो यहाँ से आप इनको देखिए क्या इनको स्ट्रैटेजी और इनको इंटरव्यू देखने से आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, एक प्रेरणा आएगा, एक अंदर से आपका जुनून पैदा होगा कि नहीं हम भी कर सकते हैं, अगर एक इंसान ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। तो मोटिवेशन दूसरे को वीडियो देखने से यही होता है कि आपके अंदर जो एनर्जी है उसको इम्प्रूव करना है, मतलब बढ़ाना है कि हम किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये हम लोग ने इन्फॉर्मेशनल सूचना दे दी है रिजल्ट से संबंधित, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित होगा हम लोग इस पर अपलोड करते रहेंगे। तो हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।